शिशुपाल मैम, मैं टीचर क्लास 10th को 8.4 में फोर्थ क्वेश्चन करा जा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं। 9 कॉमन आ गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हमारे पास 9 सीकेंट स्केरे माइनस 9 टेंथ स्केरे, तो 9 कॉमन आया तो हमारे पास क्या हो गया, सीकेंट स्केरे माइनस टेंथ स्केरे 9 × 1 यह आ जाएगा 9। अब देखो ये 1 कैसे आया, ये 1 प्लस 10 स्केयर ए होता है हमारे पास सीकेंट स्केयर ए के, बिकॉज यहां बिकॉज लिखेंगे। अब 1 इक्वल सीकेंट स्केयर ए माइनस 10 स्केयर ए, अब ये किसके इक्वल है, 1 के, इसलिए हमें यहां पर क्या रखा 1। अब ये 9 किसके, कौन सा ऑप्शन हमारे पास, बी, आंसर कौन सा हो गया, बी। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट हमारे पास 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा साइन टेन थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस सीकेंट थीटा होता है हमारे पास 1 बाय कोस थीटा, 1 प्लस कोट थीटा कोट थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा 1 बाय साइन थीटा। अभी इसमें कोस एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब ये और ये सेम है और ये 1 सेम, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि यहां ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर 1 बाय कोस थीटा साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैंने अभी बताया कितना होता है 1 के, 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 कोस थीटा साइन थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 2 बाय 2 कोस थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 आ गया। अब 2 हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, 2 हमारे पास सी, आंसर आ गया हमारे पास सी। अब करें थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हमारे पास है सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, सीकेंट 1 बाय कोस ए, टेन साइन ए बाय कोस ए, वन माइनस साइन ए। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, कोस कोस ए एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय कोस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए के हो गया, क्योंकि हमारे पास
मैंने अभी बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल वन होता है। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए के, बाय कोस ए, वन कोस ए वन कोस कैंसिल, ये आ जाए हमारे पास कोस ए। अब ये आ गया हमारे पास कोस ए, अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें डी आंसर आ गया इसका डी। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस कोस स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए सीकेंट स्क्वायर ए वन प्लस कोस स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए। मैंने ये सभी आइडेंटिटीज आपको आई है। अब ये वन ये हो गया हमारे पास सीकेंट वन बाय कोस स्क्वायर ए वन बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेकेंट क्या होता है वन बाय साइन स्क्वायर के, वन बाय कोस स्क्वायर ए ये न्यूमरेटर में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय वन। अब साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर टेन ए टेन स्क्वायर ए। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन है हमारे पास टेन स्क्वायर ए, आंसर है हमारे पास इसमें डी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक्स।